सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस बार मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ। काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं डिफरेंट टॉपिक कवर करूँ, जैसे काफ़ी मुझे कमेंट्स आते थे कि आप एम कैसे इंप्रूव करते हो उसके ऊपर वीडियो बनाओ, रिफ्लेक्सेस कैसे इंप्रूव करते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे जो टॉपिक्स है इसी वीडियो में कवर कर दूँ, तो इसलिए वीडियो नॉर्मली मतलब जो मैं लेंथ डालता हूँ उससे थोड़ी बड़ी होने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 1 बता देता हूँ। मैं आपको पॉइंट नंबर 1 में बताता हूँ, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जो आपकी एम की शार्पनेस होती है, मतलब आपको कभी कोई बंदा सिर्फ हल्का सा ही दिख रहा रहता है तो आप उसको भी टेक डाउन कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको इस जगह आना है यहाँ पे, और जैसे आपको ये जो यहाँ पे एक मतलब वुडन्स के जो ब्लॉक्स जैसे खड़े हैं, मतलब जो भी खड़े हैं डोर्स जैसे, उनके बीच में आपको गैप्स दिख रहा होगा, देखो ऐसे। तो आपको क्या करना है, बस सिंपली इस गैप के थ्रू मारना है टारगेट को। मैं आपको पहले अभी मार के दिखाता हूँ। पहले आप सिर्फ सिंपल खड़े होकर मारो, पहले आप धीरे धीरे एक टारगेट को गिराओ, फिर आप एक से दो टारगेट को गिराओ, और फिर दो से आप तीन टारगेट को गिराने की ट्राई करो। जैसे देखो लेफ्ट में भी टारगेट है, आप उस पर भी शूट करो। पहले आप यहाँ पर धीरे धीरे मारो, और फिर आप मतलब इसको मूव करके भी मारना है आपको, बट पहले आप पहले सिंपली सीख जाओ कि कैसे मारना है इसके थ्रू। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपकी एम थोड़ी सी मतलब थोड़ी वीक है तो आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर अच्छी है तो आप उसको एक बार में ही कर लोगे। देखो आप फिर ऐसे मूव करके मारो, इसमें थोड़ा स्प्रे बाहर जाएगा बट आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगी मूव करके मारने की भी। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करो तो इससे आपका एम की जो शार्पनेस होती है वो बढ़ जाएगी। अगर बंदा थोड़ा सा भी दिखेगा तो आप उसको मार पाओगे। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी सिचुएशंस पे ये काम आएगी प्रैक्टिस अगर आप इसको करते हो तो। तो गाइस, आप वही चीज़ पीछे से भी कर सकते हो, इस तरफ से। आपको इस तरफ से कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। देखो आपको ये जो चार टारगेट दिख रहे हैं, आपको इनके बीच में जो गैप्स दिख रहा है आपको इसके थ्रू टारगेट्स गिराने हैं। तो इससे भी आपको वही प्रैक्टिस होगी, थोड़ी सी जगह पे मारने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो आप ऐसे करके इजीली गिरा सकते हो। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से टारगेट गिराने हैं, मतलब आप देख रहे होगे पीछे बहुत सारे पास हो रहे हैं टारगेट्स, तो आप अपने मुताबिक गिरा सकते हो। जैसे आपको एक गिराना है एक बार में तो एक गिराओ, दो गिराने तो दो गिराओ, यहाँ तक कि तीन भी गिरा सकते हो आप छोटा सा जो पीछे टारगेट है वहाँ पर। तो आपको ये चीज़ खुद ट्राई करनी है। अगर आप इसको एक दिन में कम से कम एक घंटे भी प्रैक्टिस कर लोगे, या एक घंटे से अगर आप कम खेलते हो पबजी तो आप उसको थोड़ी देर भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी जो एम की शार्पनेस है वो बढ़ जाएगी। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो अगर आपकी एम वीक है तो। और गाइस, मेक श्योर आप ये जो चीज़ है प्रैक्टिस मूव एंड फायर करके भी करो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मूव एंड फायर की एक्यूरेसी होती है वो भी बढ़ जाएगी। अगर आप दौड़ते दौड़ते कहीं जा रहे हो और थोड़ा सा गैप में बंदा दिख रहा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसको टेक डाउन करने की। तो आप मेक श्योर कि जॉयस्टिक घुमा घुमा कर भी ट्राई करो टारगेट्स गिराने की। तो गाइज़, ये चीज़ ज़्यादातर काम आती है विंडोज़ और जो गेट से बंदे पीक करते हैं। जैसे इस विंडो से अगर कोई हल्का पीक करेगा या इस डोर से कोई हल्का पीक करेगा तो आपको मतलब उस चीज़ की प्रैक्टिस पहले से हो जाएगी। तो चलो गाइज़, मैं आपको पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। मैं आपको पॉइंट नंबर 2 में बताता हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो जब फायर करते हैं तो उनका स्कोप ओपन नहीं होता या वो स्कोप ओपन करना भूल जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आदत हो जाएगी स्कोप खोलने की। आपको बस ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो आपको बस फायर करना है, स्कोप खोलना है, फिर स्कोप बंद करना है। ये चीज़ आप धीरे धीरे ट्राई करो, अगर आपका स्कोप खुलता नहीं है तो आप धीरे धीरे ट्राई करो, आपको ज़रूरी नहीं है कि फास्ट करना ही है। आप धीरे धीरे ट्राई करो, फिर धीरे धीरे फास्ट अप करो इस प्रोसेस को। तो इससे क्या होगा कि आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगी, आप कभी भी फायर करोगे तो आपका स्कोप पहले खुलेगा। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर लो धीरे धीरे करके, ट्रेनिंग मोड में आके आप मूव करके भी कर सकते हो। अगर आपका मूव करके स्कोप नहीं खुल रहा है तो आप क्या करो कि मतलब सिर्फ एक जगह खड़े होकर स्कोप खोलो। वैसे मैं तो मूव करके कर रहा हूँ, आप खड़े होकर भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करो अगर आपका स्कोप नहीं खुलता तो, इस चीज़ से आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होगी और फिर आप कभी भी फाइट लेने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्कोप खोलने में, ऑटोमेटिक आपका स्कोप खुल जाएगा। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग मोड में। तो चलो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 3 बता देता हूँ। मैं आपको पॉइंट नंबर 3 में बताता हूँ कि आप अपना स्प्रे ट्रांसफ़र कैसे इंप्रूव कर सकते हो और अपने रिफ्लेक्सेस भी कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, ट्रेनिंग मोड में ये वाली जगह आना है यहाँ पे, और ये जो आपको सामने मूविंग टारगेट्स दिख रहे हैं आपको बस एक स्प्रे में इन सारे टारगेट्स को गिराना है। आपको ऐसे पूरा सीधा स्प्रे नहीं मार देना, आपको ऐसे स्प्रे मारना है, फिर रोकना है, फिर स्प्रे मारना है, फिर रोकना है। और अगर कोई टारगेट मिस भी हो जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। पहले आप ट्राई करो कि एक जगह खड़े होकर सारे टारगेट्स गिराने की ट्राई करो। जब आपको लगता है कि आप खड़े होकर अच्छे से गिरा ले रहे हो टारगेट्स, आपका मतलब थोड़ा सा इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है रिफ्लेक्सेस, तो आप क्या करो कि वही चीज़ मूव करके ट्राई करो, मैं करके दिखाऊंगा। पहले आप धीरे धीरे ट्राई करो कि खड़े होकर सारे टारगेट्स गिराओ एक स्प्रे में। तो ये चीज़ आप ट्राई करो कि मूविंग करके भी आप टारगेट्स गिराओ, जैसे जॉयस्टिक मूव करके भी टारगेट्स गिराने की ट्राई करो।
तो इससे क्या होगा कि आप जब मूव करके भी मारोगे तो स्प्रे ट्रांसफर आपका अच्छा होगा। जैसे सामने अगर कोई पूरी स्क्वाड आ जाती है तो वहाँ पे आपका स्प्रे ट्रांसफर अच्छा होगा, आप एक के बाद एक गिरा सकते हो बंदे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, आपके रिफ्लेक्सेस भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो आपको बस जॉयस्टिक मूव करनी है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट गिरा सकते हो गिराने की ट्राई करनी है। अगर कोई मिस हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करो प्रैक्टिस में। तो चलो गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको कोई प्रैक्टिस करने की जगह नहीं बता रहा, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो सोचा मैंने कि कवर कर लूँ। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ बंदे जो होते हैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि वो बंदा ATM पे 6x चला के इतना अच्छा एम कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा ATM से। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ आप करना बंद कर दो, इससे जो आपका एम है वो आप खुद ही बिगाड़ रहे हो। आपके पास M4 है 4x के साथ, आप उसको छोड़ के ATM 6x चला रहे हो, तो इससे ऑब्वियसली आपका एम बेकार होगा ही होगा। तो आप ये चीज़ मत करो, दूसरों से कंपेयर मत करो खुद को। हर कोई बंदा एक चीज़ में अच्छा होता है, जैसे कोई बंदा अगर M4 4X अच्छा चला रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि M4 6X भी वो अच्छा चलाए, या हो सकता है कि वो दोनों ही अच्छा चलाए, तो वो तो उसकी प्रैक्टिस और गेम उसने कितना खेला उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखो कि अगर आप M4 अच्छा चला रहे हो स्कोप लगा के, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ATM भी अच्छी चला सको। तो आपको अगर सारे गन्स पे चलाना है तो आप हर किसी पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ये चीज़ पॉइंट कवर करनी थी मेरे को। तो चलो गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर 5 बताता हूँ। मैं आपको पॉइंट नंबर 5 में बताता हूँ कि अगर आपका एम थोड़ा वीक है तो गन्स भी बहुत मैटर करती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका एम वीक है तो आप सिर्फ M4 से ट्राई करो पहले कुछ दिन। अगर आप M4 पे अच्छा एमिंग करने लगोगे तो उसके बाद ही आप दूसरी गन पे शिफ्ट हो, क्योंकि मेरा ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहले मैं ATM बिल्कुल नहीं चला पाता था, जब मैंने गेम स्टार्ट की थी तो मैं हमेशा M4 ही उठाता था या स्कारल उठाता था। तो आप भी यही करो, अगर आपका एम वीक है तो आप ज़बरदस्ती AK मत उठाओ। अगर आपको AK उठानी है तो आप क्लोज रेंज में कर सकते हो यूज़, बट जो भी हैवी गन्स हैं जिनका रिकॉइल ज़्यादा है तो आप उनको ट्राई ना करो, आप M4 ट्राई करो अगर आपका एम वीक है तो। सो यस गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये जो पॉइंट्स हैं आपके कुछ हेल्पफुल होंगे, आपके हेल्प करेंगे एमिंग और रिफ्लेक्सेस इंप्रूव करने में। तो चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या, टेक केयर।